सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी अजिंक्य रहाणे को एक शानदार बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच में चल रहा सीरीज का पहला टेस्ट मैच अब आखिरकार अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच ही चुका है। अब तक अगर इस टेस्ट मुकाबले पे नजर डाली जाए तो इस मुकाबले में टॉस जीतकर वेस्टइंडीज की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले दिन का खेल पूरी तरीके से वेस्टइंडीज के नाम रहा और पहली इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने सभी विकेट गंवाकर 297 रन बना लिए थे, जिसके बाद दूसरे ही दिन वेस्टइंडीज की टीम की बल्लेबाजी आ गई। लेकिन फिर तीसरे दिन तक भारतीय टीम के गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज की टीम को 75 रन पहले ही ऑल आउट कर दिया। खेल फिर तीसरे दिन तक चला गया और जैसे ही भारतीय टीम की सेकंड इनिंग्स आई तो 75 रन की इस लीड के साथ टीम की शुरुआत काफी अच्छी रही। केएल राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई, साथ ही फिर कप्तान विराट कोहली और रहाणे के अर्धशतक के चलते तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम 185 रन 3 विकेट के नुकसान पर अपने खाते में जोड़ चुकी और 260 रनों के विशाल लक्ष्य की लीड से भी आगे है। दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच में चल रहे इस पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल की शुरुआत तो पूरी तरीके से वेस्टइंडीज की टीम के नाम रही। ऐसा इसलिए क्योंकि कप्तान विराट कोहली शुरुआती दौर में ही अपना विकेट गवा बैठे थे। 51 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद जैसे ही चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो विराट कोहली कैच आउट हुए, उनका विकेट 51 रनों पर गिर गया। अब भारतीय टीम के बल्लेबाजी के मोर्चे को संभालने के लिए मैदान पर तैनात थे अजिंक्य रहाणे और उनके साथ साथ हनुमा विहारी। रहाणे तो अपना अर्धशतक पूरा कर ही चुके थे, लेकिन आज जिस गति से हनुमा विहारी ने अपना अर्धशतक पूरा किया उसके बाद सारे देश में उनकी तारीफ की जा रही है। आपको बता दें कि मैच 77 गेंदों का सामना करके पहले तो हनुमा विहारी ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, उसके बाद लंच ब्रेक तक होने के बाद विहारी का स्कोर 91 गेंदों में 57 तक पहुंच चुका था। 65 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हनुमा विहारी ने अपनी पारी में 6 चौके भी जड़े थे। दोस्तों हनुमा विहारी ने तो शानदार बल्लेबाजी करी ही, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम बल्लेबाजी करी अजिंक्य रहाणे ने। टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने 235 गेंदों का सामना करके आज शतकीय पारी खेलती अपनी टीम के लिए। इस दौरान उन्होंने 42 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी और अपनी पारी में 5 चौके भी जड़े। अजिंक्य रहाणे की यह पारी भारतीय टीम के लिए दूसरी इनिंग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि रहाणे की इसी मजबूत शतकीय पारी के चलते ही भारतीय टीम दूसरी इनिंग में अपनी बल्लेबाजी के बलबूते पर 350 की लीड से ज्यादा रन बना पाई। हर जगह रहाणे की तारीफ हो रही है और उनके शतक के लिए उनको बधाइयां भी दी जा रही हैं। परंतु आप रहाणे के शतक को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।